तो आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है, जिसमें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको अपने सीए को या किसी भी आपको सीनियर्स को आपको टैली का डेटा को कैसे सेंड करना होता है। क्योंकि मैंने देखा है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को कि डेटा को सेंड कैसे करते हैं। अब उन्हें ये तो पता होता है कि टैली पे हमने काम कर लिया, हमारा काम टैली पे सेव हो रहा है, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स वहां पे आती है जब उनसे कभी कोई कहता है कि हमें डेटा को सेंड कर दो, तो उन्हें टैली का डेटा सेंड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आपको इस चैप्टर में कि आपको जो है टैली का डेटा को सीए को या किसी को भी आपको सेंड कैसे करना होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा जिससे आप भी इजी वे में सीख पाएंगे कि आपको डेटा को टेलीग्राम के डेटा को कैसे सेंड करना होता है। तो चलिए एक बार हम टेलीग्राम को पहले ओपन कर लेते हैं, पहले हम टेलीग्राम को ओपन करते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे डेटा को सेंड करना होता है। जैसे मेरी कंपनी ओपन हो गया है, तो देखो जैसे अब मेरी एक मान लो एक कंपनी है, ये बैच वाइज डिटेल्स। अब मान लो मेरे को इसका डेटा सेंड करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा पाथ है वो कहाँ पे सेव होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही बताया था, जब मैंने आपको कंपनी क्रिएट करना बताया था कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पर सेव हो रहा है, यानी उसकी लोकेशन क्या है। अगर आपको अपनी लोकेशन नहीं पता डेटा कहाँ पे सेव हो रहा है, तो आपको वो कैसे चेक करनी है, आपको यहाँ डेटा टैब में आना है। डेटा टैब में आने के बाद आपको आना है डेटा पाथ पे। तो देखो ये हमारा जो है जी कहाँ पे सी ड्राइव में हमारा जो डेटा है वो क्या हो रहा है जी, सेव हो रहा है, हमें ये पता लग गया। तो अब एक बार हम सी ड्राइव में चल के देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको डेटा सेव आपका जो भी हो रहा है वो वहां पे नेम वाइज नहीं हो रहा। मान लो जैसे आप स्टूडेंट्स यह सोचते हैं कि वो जैसे जाएंगे सी ड्राइव में तो देखेंगे उनकी बैच वाइज डिटेल्स से वहाँ कंपनी शो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां जो आपको कंपनी शो होगी वो कोड के अकॉर्डिंग होगी, यानी एक कंपनी का कोड होता है। अब वो दिखाता हूँ मैं आपको कोड कैसे आपको देखना है। तो जैसे मैं एक बार और F3 करता हूँ कंपनी सिलेक्ट के लिए, तो देखो ये मेरे सारे कोड्स हैं। अब मेरे को कोड से आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को किस कंपनी का डेटा को सेंड करना है। तो देखो जो मेरा बैच वाइज डिटेल्स है उस कंपनी का मेरा कोड है, ये है 10,000 कोड है मेरी कंपनी का, यानी कि ये मेरा कंपनी बैच वाइज डिटेल्स वाली मेरी कंपनी है। अब मेरे को पता लग गया मेरी 10,000 कंपनी कौन सी है, बैच वाइज डिटेल्स। अब आपको सेंड कैसे करना होता है, यहां से आप डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले तो सी ड्राइव में आना है। जैसे मैं आपको ला के बताता हूँ, आप सी ड्राइव में आए, सी ड्राइव में आपको पता है जो हमारा डेटा है वो कहाँ पे सेव होता है, यूजर्स फोल्डर के अंदर। यूजर्स फोल्डर के अंदर भी कहाँ पे सेव होता है, हमारा पब्लिक के अंदर। पब्लिक के अंदर भी जो हमारा डेटा है वो कहाँ पे सेव होता है, टेलीप्राइम, क्योंकि जो ईआरपी चला रहे होंगे तो उनका ईआरपी 9 में होगा, लेकिन अब हम प्राइम यूज कर रहे हैं तो हमारा जो डेटा है कहाँ पे सेव होता है, प्राइम में। तो हम प्राइम में आ जाएंगे, प्राइम में अंदर आने के बाद भी हमारे पे एक डेटा का फोल्डर खुलेगा, इसके हम अंदर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ मेरी कोई भी कंपनी शो नहीं होती, यानी मेरा जो वो पाथ है वो यानी करेक्ट पाथ नहीं है। तो हम एक बार क्या करते हैं, ईआरपी में जाके देखते हैं। तो देखो ये मेरा ईआरपी 9 में डेटा सेव हो रहा है, मतलब आपने देखा टैली प्राइम पे मेरा डेटा सेव नहीं हो रहा। ये फोल्डर आपने हमने ऐसे ही क्रिएट कर रखा है, इसमें हमारा जो डेटा है वो सेव नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस फोल्डर को तो आपको करना है डिलीट, या तो आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, या तो आप इसी फोल्डर पे भी इसका नाम दे सकते हो, टैली प्राइम टेलीप्राइम डेटा, यानी हमें इससे क्लासिफाई रहेगा कि टेलीप्राइम का डेटा यहाँ से हो। अब आप इसके अंदर आओगे, फिर आप आओगे डेटा टैब के अंदर, तो देखो ये मेरी कंपनी है, यही थी ना 10,000 जैसा मैंने आपको बताया था। एक बार हम फिर इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं टैली से, एक बार हम टैली पे आते हैं, एक बार हम ऑल्ट F3 करके देखते हैं, तो देखो मेरी जो कंपनी है वो यही है 10,000 है मेरा, यानी यही मेरी कंपनी है बैच वाइज डिटेल्स की। अब बात आती है कि आपको ये डेटा को सेंड कैसे करना होता है। तो देखो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो ना इसी फोल्डर को क्या करते हैं, मेल पे अटैच कर देते हैं, लेकिन कभी भी फोल्डर अटैच नहीं होता। जब भी आप टैली का डेटा सेंड करोगे तो आपको एक जिप फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, और आपको जिप फाइल आपको टैली के डेटा के रूप में भेजनी पड़ती है। अब जिप फाइल आपको कैसे क्रिएट करनी है, आपको इस पे
सिलेक्ट करना है डेटा को, तो आपको राइट क्लिक प्रेस करना है। तो जैसे ही आप राइट क्लिक प्रेस करोगे, फिर आपके सामने एक ये सेंड टू का ऑप्शन खुलेगा। सेंड टू आपको सिंपली करना है कंप्रेस जिप फोल्डर, सेकंड ऑप्शन है हमारा जो कंप्रेस जिप फोल्डर। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो मेरी इस कंपनी का क्या हो गया जी, एक जिप फाइल ओपन बन चुकी है इसकी। मेरा जो ये डेटा था वो एक जिप फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, जब भी आप मेल करोगे डेटा को तो आपको फोल्डर अटैच नहीं करना। आप फोल्डर अटैच करोगे तो वो अटैच होगा ही नहीं, आपको ये जिप फाइल अटैच करनी है। और जैसे ही आप ये जिप फाइल अटैच करोगे और आप सिंपली वे में डेटा को सेंड कर पाओगे। अब ये तो होगी एक कंडीशन। अब मान लो अगर आपको टैली का डेटा किसी से रिसीव हुआ है तो वो आपको ओपन कैसे करना होता है। तो अगर आपको डेटा टैली का रिसीव होगा तो भी आपको जिप फाइल मिलेगी, तो आपको जिप को क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट कैसे करना होता है आपको, जैसे आपने इस पर राइट क्लिक करा, क्या भी आपको दिख रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल, तो आपको सिंपली इसको पहले एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसे टैली प्राइम में इजी वे में रन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कुछ डेटा को सेंड करना होता है और आपको देखना होता है अगर आपको किसी ने डेटा भेजा है तो आपको किस वे में ओपन आप कैसे कर सकते हो।